लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद से ही जहां एक ओर ये बहस छिड़ गई है कि इस आरक्षण का रूप क्या होगा, वहीं अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या और कैसे इसे लागू किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अभी आरक्षण किसको और कितना मिल रहा है। ओबीसी को 27% आरक्षण, एससी को 15% आरक्षण, एसटी को 7.5% आरक्षण मिल रहा है। इसलिए कुल मिलाकर आरक्षण हुआ 49.5%। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या कहती है वो भी समझिए। एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण 50% से ज्यादा ना हो। कोई भी राज्य 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकता। आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। आर्थिक आधार पर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आरक्षण को लेकर संविधान क्या कहता है, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में प्रावधान है। अनुच्छेद 15 समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 के सेक्शन 1 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ही अनुच्छेद 15 के सेक्शन 4 और अनुच्छेद 15 के सेक्शन 5 में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। यहाँ कहीं भी आर्थिक शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे में सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सरकार को इस अनुच्छेद में आर्थिक रूप से कमजोर शब्द जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। अब अनुच्छेद 16 की बात करें तो ये सरकारी नौकरियों और सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। लेकिन अनुच्छेद 16 के सेक्शन 4, 16(4) का और 16(4) खा तथा अनुच्छेद 16 के सेक्शन 5 राज्य को अधिकार देते हैं कि वे पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। यहाँ भी कहीं आर्थिक शब्द का जिक्र नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि सरकार गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की अपनी योजना को अमली जामा पहनाना चाहती है तो उसे इन दो अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। अब बात करते हैं कि आर्थिक आधार पर किन सवर्णों को सरकार आरक्षण देने का प्रावधान करने जा रही है। जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती की जमीन हो, सालाना 8 लाख रुपए से कम आमदनी हो, 1,000 वर्ग फुट से कम का मकान हो, कस्बों में 200 गज जमीन वालों को, शहरों में 100 गज जमीन वालों को। फिलहाल मोदी सरकार का सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला 2019 के लोकसभा चुनावों में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में मिली बीजेपी की हार की एक वजह एससी एसटी एक्ट के खिलाफ सवर्णों की नाराजगी भी बताई जा रही है। सवर्णों को जिस तरह से सरकार ने आरक्षण का ये मरहम लगाया है, इससे ये माना जा रहा है कि सरकार ने गरीब सवर्णों को अपने पाले में करने का ये दांव खेला है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।